Bismillahirrahmanirrahim we are learning about the human rights and in today's lecture we will cover universal declaration of human rights the universal declaration of human rights is a milestone doc document in the history of human rights uh, which was proclaimed uh, by the united nations general assembly on 10th december 1948 in paris so as it appears from the uh, title of the document itself that uh, the declaration is for the universe and it attempts to provide, uh, uh, provide or give access to of human rights to the people of entire planet in the previous lecture uh, we have covered the history of human rights and uh, we have attempted to know that uh, the core ideas behind uh, the principles of human rights can be traced uh, back to the centuries. And human rights continued to evolve uh, unless uh, in 1945 the United Nations was formulated, and in 1948.

कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो दुनिया में कोऑर्डिनेशन करे और दुनिया के जो नेशंस हैं या जो भी दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हैं उनके बारे में बात करे और जो ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे कि दुनिया के लीडर वहाँ पे बात कर सकें और अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वारसलीस के अंडर लीग ऑफ नेशंस जो है उसको फार्मूलेट किया गया So uh, League of Nations uh, was established in January 1920 and the main objective of its constitution was to preserve the world peace and to avoid the repetition of the great wars and this objective was aimed to achieve through uh, disarmament and uh, preventing the war through collective security सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज़ थ्रू नगोसिएशन एंड डिप्लोमेसी एंड इम्प्रूविंग दी ग्लोबल वेलफेयर सो लीग ऑफ नेशंस जिस मकसद के लिए बनाया गया ह, आ, हम देख सकते हैं कि ये इसमें नाकाम हुए और उसके नाकाम होने की वेरियस जो है, हैं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो इसका अपना स्ट्रक्चर था और इसके अंदर जो है Uh, उस तरह की जो है वो वीकनेसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस हैं जिसमें वोटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें जो है इट वाज मेड डिफ़िकल्ट टू टू रेटिफाइंग द रेजोल्यूशंस और इसी तरह जो है ये पूरी तरह जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता था जो इदारा है पूरी दुनिया को सो so, फिर हम देखते हैं कि हिस्ट्री में आ, ये इदारा जो है ये फेल हुआ और उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर टू है इट वाज एरप्टेड इन सितंबर 1939 सो वर्ल्ड वॉर टू लास्टेड अंटिल सितंबर 1945 व्हेन वेरियस नेशंस अलाइड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड सेट टुगेदर एंड And put the foundation to formulate फार्मूलेट united nations which was constituted on 1945 ऑफ uh, नेशंस जो है वो फिर जो है उन्नीस सौ पैंतालीस तक काम किया इसने जब तक के यूनाइट नेशन्स जो है जो उसका स्ट्रक्चर बन गया और उसको जो है वो एक अदारे के तौर पे कायम किया गया सो लीग ऑफ नेशन्स को जो है रिप्लेस कर दिया यूनाट नेशन्स ने तो इस बैकग्राउंड के साथ जब अब एक नया इदारा फार्मूलेट हो गया यूनाइटेड नेशंस तो उनके पास सबसे पहला जो मैंडेट था कि वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएं या लीगल फ्रेमवर्क बनाएं कि जो कि पूरी दुनिया में जो है वो आइंदा एक अमन का पैगाम दे सके और एक तरक्की हो सके दुनिया में और इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स जो कि ओवर द हिस्ट्रीवॉल्व तो हुए हैं लेकिन उनको ना सिर्फ जो है वो दुनिया में एक एकेडमिक एक 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 सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाए बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए सो इन दिस बैकग्राउंड ये जो यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसको ड्राफ्ट किया गया और इसको जो है प्रोक्लेम किया गया इन 1948 फोटी एट बाई द यूनाइट नेशनस जनरल असम्बली सो इसके जो तीस आर्टिकल्स हैं Or, uh, a document in itself, it a, is a short document, four pages document, and it is considered to be the most significant statement from the global community regarding what constitutes the ideal human life in any society and the rights to which uh, all people are entitled. सो एक ग्लोबल परस्पेक्टिव के साथ और एक आइडियल ह्यूमन लाइफ को मद्देनज़र नज़र रखते हुए या एक एक प्रोग्रेसिव या एक प्योरली एक वेलफेयर सोसाइटी को सामने रखते हुए ये सारे जो राइट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया और ये ऑब्जेक्टिव विद द ऑब्जेक्टिव टू रियलाइज़ द वर्ल्ड कम्युनिटी दैट अनलेस आर नॉट गिवन टू द मैसेज

हमने ट्रीटीज़ और कन्वेंशन का, का प्रोसेस जो है वो देखा है कि उसमें तो फॉर्मली जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें यूनाइटेड नेशंस एक ट्रीटी जब इंट्रोड्यूस करती है तो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके पास ऑप्शन होती है कि वो दे कैन अडॉप्ट दी ट्रीटीज़ एंड अनलेस दोज ट्रीटीज़ आर सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड They, the conventions do not create a legally binding agreement among the nations. So, uh, once a treaty is adopted, generally the process is that every country takes that treaty to their uh, relevant forum to review the treaty. And uh, uh, in a normal course, naturally it is the parliament or the executive who is competent to review those treaties and once these treaties are uh, reviewed uh, the countries are likely to reject or make a reservation on the treaty or to ratify the same so so once a treaty is uh, ratified the relevant uh, country becomes the uh, member uh, of that treaty and it creates a legally binding effect that uh, that country is bound to follow the uh, uh, provisions of the treaty and uh, normally what happens next is that once a treaty is signed or ratified by a country uh, the country to give effect to that treaty the country makes uh, legislation and through the bureaucratic structure uh, that relevant law is enforced uh, सो एज़ टू इश्योर दैट दी रिट्स गिवन अंडर दैट लॉ और एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन दैट कंट्री सो अगर हम ये थर्टी आर्टिकल्स रिव्यू भी करें तो ये इन इट सेल्फ़ जो है कोई ऐसा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करती डेक्लेशन के जिसमें कहा जाए कि किस तरीके से जो है ये डेक्लेशन या ये जो राइट्स दिए गए हैं अंडर दिस ट्रीटी वो किसी रेलिवेंट कंट्री में इंप्लीमेंट किए जाएँगे सो so, इसकी डेक्रेशन सो so, मकसद जो था इस डेक्लेशन को देने का जिस तरह हमने पहले बात की है कि एक यार्ड स्टिक दिया जाए दुनिया को या एक ऐसे कॉमन स्टैंडर्ड्स दिए जाएं, जिनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं या पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं स्टेट्स हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने लॉज या पॉलिसी को बनाएँ जब उनको वो मद्देनज़र रखते हुए लॉज़ या पॉलिसी को बनाएंगे और वो जो सारे राइट्स जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं जिस तरह के हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसमें जो रेलीवेंट आर्टिकल्स हैं वो यहीं से इसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ही जो है वो डिराइव किए गए हैं या आप दुनिया के भी किसी और भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के इसने ट्रांजिशन इस तरह से इन्फेक्ट किया कि जब नॉन नाइनटीन में ये डेक्लेशन आई तो सब्सिक्वेंटली बहुत सारी हम ट्रीटीज़ देखते हैं उनमें ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लीगली uh, बाइंडिंग करने के लिए डिफरेंट ट्रीटीज़ या कन्वेंशनज हैं और इसमें जो मेजर uh, uh, दो ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1966 एंड इट वाज इन्फोर्सड इन 1976 एंड द अदर ट्रीटी इज़ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स इट वाज आल्सो इंप्लीमेंटेड इन 1976 सेवेंटी इट वॉज इन नाइनटीन सो so, अगर आप इनके भी आर्टिकल्स देखें इन ट्रीटीज़ uh, के तो ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम दू डी एच आर एट सेल्फ इसी तरह अगर आप uh, हम देखें कोई डिस्क्रिमिनेशन पे जो ट्रीटीज़ हैं चाइल्ड uh, राइट्स पे हैं वीमेन राइट्स पे हैं दी कन्वेंशन रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ डिसेबल परसन तो ये uh, हम uh, देखा जा सकता है कि जो आर्टिकल्स या जो ह्यूमन राइट्स यू में दिए गए हैं उनको दुनिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया है या एनफोर्स uh, किया गया है थ्रू लॉ मेकिंग uh, थ्रू ट्रीटी मेकिंग और उस प्रोसेस के बाद जब वो यू से होते हुए एक कन्वेंशन में लीगली बाइंडिंग इफेक्ट दिया गया तो फिर नेचुरली इट बिकेम पार्ट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ वर्ल्ड बिकॉज द आफ्टर साइनिंग दन्वेंशन इट इज़ इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ रेलिवेंट स्टेट टू गिव अफेक्ट टू दी राइट विच दे हैव एग्रीड अंडर दनवेंशन तो वहाँ से फिर वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस एंड देन अगेन उस लॉ को एन्फोर्स करने के लिए ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री में और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने uh, के बाद पीरियोडिक रिव्यूज जो हैं अंडर द रेलिट वो एन की रेलिवेंट जो कमेटी होती है उस ह्यूमन राइट right को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें वो रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं सो यू डी एच आर सेट फॉर निगोशिएटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन राइट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन दर्ल्ड विच जस्ट एक्सप्लेन सो क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं कि क्या आज हम एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और यू डी एच आर के आने से पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो हकूक़ मैसर आ गए हैं सो so, इसका इसका जवाब इस तरह से दिया गया है इंटरनेशनली या जो लिटरेचर अगर हम देखें कि इम्पेक्ट क्या है यू डी एच आर का दुनिया में तो उसमें दोनों दोनों तरह से इन आस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया गया है कुछ लोग जो हैं उनका व्यू ये है कि जो यू डी एच आर है इट हैज़ एक इम्पैक्ट ऑफ द यू डी एच आर हैज़ बीन प्रोफाउंड इन चेंजिंग द वर्ल्ड मैन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स सी ए ग्लास हाफ फुल करेक्टराइजिंग द यू डी एच आर एज ए पावरफुल टूल दैट हैज़ ड्रामेटिकली शेप्ड पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड सो so, जो लोग पॉजिटिव प्रोपोनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के या जो पॉजिटिव आस्पेक्ट देखते हैं ह्यूमन राइट्स के ये सारे फ्रेमवर्क का उनका कहना ये है कि ज़ाहिर है जब यू आया तो उसके बाद चाहे ग्रेजुअली एक प्रोग्रेस की तरफ गए हैं और सबसे ज़्यादा जो आ, मेजर क्लेम किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई बहुत बड़ा जो है वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस तरह से इरप्ट नहीं हुआ जिस तरह हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार टू में 50 टू 80 मिलियन पीपल वर किल्ड तो इस लार्ज स्केल पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में नहीं जो है वो इरप्ट हुआ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन और फार्मूलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के उस तरह से हम कहे कहा जाए कि ये वाला फ्रेमवर्क भी उसी तरह से नाकाम हुआ है जो कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो है नाकाम हुआ था So, uh, आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक तो एक एकेडमिक uh, परस्पेक्टिव और एक लिटरेचर की हद तक है उसमें हमने बहुत ज़्यादा तरक्की देखी है और पूरी दुनिया में ना सिर्फ जो है वो थ्रू वेरियस कन्वेंशनस जो uh, दुनिया के या मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टेट्स दे हैव ऑल रेटिफाइड द अलाइड ट्रीटीज़ रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी ह्यूमन राइट्स लेकिन इनको ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट करना या हंड्रेड परसेंट इनके रिज़ल्ट अचीव करना वो नेचुरली uh, जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है और वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी सो so, जो लोग क्रिटिक्स uh, हैं ऑफ़ द इस द ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन मेकनिज़म उनका जो मेन थ्रस्ट है वो यही है कि ये जो एक लीगल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड किया गया जाता है अंडर दी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स लेकिन इसकी जो ट्रू जो है इम्प्लीमेंटेशन उसका कोई जो मेकनिज़म है वो थोड़ा सा लूज़ है आ, उसमें एक तरह से एक पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट मेरी जाती राय में आ, स्टेट की सॉवरेनिटी को इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के थ्रू बाईपास करना एक जो है वो ऐसा मामला है जो कि मज़ीद नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो जन्म दे सकता है अब ये इस तरह की कोई थेरी को प्रमोट करना कि जी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसके अंडर जो है वो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को बाईपास बाई किया जाए और उनकी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन को चैलेंज किया जाए ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि जो कंट्रीज़ होते हैं वो अपनी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से या अपना जो है उनका सोशल स्ट्रक्चर है या जो उनकी रवायात हैं उसके मुताबिक वो उस मुल्क को चलाते हैं और कुछ ये हर ए, मुल्क का ये अपना एक बुनियादी हक है कि वो डिसाइड करे कि क्या उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट में है और कौन से मामलों की हद तक जो है उसके जो मैसेज हैं या हैं आ, द, दे आर रेडी टू आ, इस पर बड़ी जो है वो डिबेट की जा सकती है कि कौन से राइट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री में जो है वो उनकी इनफोर्समेंट क्यों नहीं की जा रही और इसमें हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि जो कल्चर है या जो वैल्यूज़ है या जो सोशल सेटअप है किसी भी कंट्री का वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उस तरह की कुछ आ, जो राइट्स हैं जो कि वेस्ट में दिए गए हैं वो उसी तरह ही आप जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में या मुस्लिम कंट्रीज़ में अप्लाई करें सो so, जो क्रिटिक्स हैं आ, वो वो मिसाल आ, देते हैं कि जी आ, रोंगिया के जो लोग हैं वो विक्टिमाइज़ हो रहे हैं या जो है सीरिया में जो ह्यूमन राइट्स की वाइलेशनस हैं या यमन में साउथ सूडान में इन तीनों कंट्रीज़ में जो है वो तकरीबन हज़ारों लोग जो हैं वो आ, मारे गए हैं और उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन राइट्स की वाइलेशन की इंस्टेंसेस हैं or millions of people, palestinians, uh, still are under a humiliating occupation that has violated almost all their human rights for over half of a century. and same is the situation uh, in the occupied kashmir. and uh, there are also instances where uh, muslims are under great pressure in europe uh, and the u.s. Uh, uh, then there are uh, black and white, और रेसिज्म इशू इन दी यू एस सो ये वो सारे मामला आते हैं जिनको अगर जब हाईलाइट करते हैं जो सीनिकिजम लोग कर कह सकते हैं हम या जो है वो क्रिटिक्स हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई उस तरह से जो है ये जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है ह्यूमन राइट्स का वो उस तरह से रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं दे सका सो देट स्टिल देर आर challenges to realize these goals and threat to the very principle enshrined in the UDHR continue to emerge others focus on the space that remains empty emphasizing the flaws that inhibit in the realization of the document's goals and so they say that these threats are the consequence of a number of global developments including shifting geopolitical balances एक्सट्रीम इकोनॉमिक एंड सोशल इनिक्वेलिटी क्लाइमेट चेंज एंड ए वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस सो जो लोग क्रिटिकल uh, एनालिसिस uh, करते हैं ह्यूमन राइट्स का तो उसमें जो है वो हम देखते भी हैं कि जो सो so जो सुपर पावर हैं या जो बड़ी ताकतें क्लेम करते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं जो है, मतलब चाइना है अमेरिका है रशिया है फ्रांस है यूके है सो so, इनमें जो पॉलिटिकल, जियो बैलेंस की शिफ्टिंग है वो जो है ऐसे मामल पैदा करते हैं कि जिससे कन्फ्लिक्ट जो है अरइज़ होते हैं या दुनिया में जो है वो बेचैनी है दैन देर इज़ एक्सट्रीम इकनॉमिक एंड सोशल इनलिटी इसमें जो है वो अगेन uh, तहकीक की जा सकती है कि इसका कितना इम्पेक्ट है बिकॉज वी सी दैट वन परसेंट ऑफ द ग्लोबल ग्लोबल पापुलेशन होल्डस फोर्टी फोर परसेंट मनी और फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड सो एक एलिमेंट ये है कि इसको एज ए दुनिया के डिज़ाइन के तौर पर एक्सेप्ट भी किया जा सकता है कि भाई एक परसेंट वो लोग ही दुनिया के रिसोर्सेज पर जो हैं वो काबू पाया है जिन्होंने उस तरह से मेहनत की है या जो वो इतने काबिल हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमाया है लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट ये भी कहा जा सकता है कि यही लोग जो हैं फिर वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ पीपल टैक्सेस देते हैं स्टेट्स को और उन्हीं टैक्सेस से जो हैं वो मामला को आगे चलाया जा सकता है सो so, अब ये प्योरली इस चीज़ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करना कि उसने जो है वो बहुत सारा किसी इंसान ने पैसा बना लिया शायद ये भी एक फेयर असेसमेंट नहीं है सिचुएशन की ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये देखा जाए कि जिसने इतना इंसान ने पैसा बनाया क्या उसने लॉफुल मीन से बनाया है जिस तरह के यूएस की अगर एप्पल कंपनी है जिसका स्टीव जॉब्स जो है, है फाउंडर था या बिल गेट्स है अगर या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान में कुछ बहुत लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं तो ये कहा कहना कि जी इन्होंने क्योंकि पैसा बना लिया है तो इन्होंने जो है वो सोशल इनिक्वालिटी जो है वो पैदा कर दी है ये मुनासिब शायद इसलिए नहीं है कि एक तो उन्होंने लॉफुल तरीके से पैसा बनाया है दूसरा एज लॉन्ग एज दे आर पेइंग टैक्सेस ऑन ऑल द मनी और स्टेट का काम है ये देखे कि उन्होंने जायज़ या नाजायज़ तरीके से जो है वो पैसे बनाए और अगर ज़रूरत है स्टेट को या ओवरऑल काम करने की तो वो शायद ये है कि जो मोटिव है इन लोगों का उसको चेंज करने की ज़रूरत है या उस पर काम करने की ज़रूरत है कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे जो है वो इलीगल मीन्स के थ्रू पैसा कमाएँ या अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ सो so, इसी तरह आगे जो बात है क्लाइमेट चेंज की है क्लाइमेट चेंज में भी यही है कि जहाँ पे मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो ये एक एक क्लाइमेट थ्रेट जो है वो दुनिया का इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च और जो है वो आ, काम हो चुका है एंड ए वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगेन जमहूरी जो इदारे हैं उनको वीक भी जाहिर है लोग ही करते हैं डेमोक्रेसी में इट्सल्फ शायद इतना मसला नहीं है अगर हम देखें जो दुनिया के तरक्की याफ्तः ममालिक हैं जैसे अमेरिका है चाइना है या अगर आप छोटे किसी मुल्क की एग्ज़ाम्पल लें तो सिंगापुर उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ पे आल दो शायद जमहूरीत इतनी मजबूत ना हो लेकिन वहाँ पे का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने पचास साल में एक मुल्क को खड़ा कर दिया सो so, अगेन इसको पर्सपेक्टिव में दुरुस्त इस दुरुस्त आस्पेक्ट जो देखने के लिए कि हमेशा जो है वो डॉक्यूमेंट्स में या जो लिटरेचर में या किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में शायद इतने मसायल नहीं हैं जितना कि उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की के मसल हैं या जो है वो ख़ुद जो है वो उसके अंदर से जो है वो बाईपास करके उसमें जो है एक बुराई का एलिमेंट ले आते हैं और फिर वो ओवरऑल किसी मुल्क को या किसी भी इदारे को नुकसान पहुँचाते हैं सो ये जो यू का चार्टर है ये इट सेल्फ इट लेज़ डाउन सर्टन प्रिंसिपल्स और इसी के अंडर जो है उसके जो इंस्टीट्यूशन हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली है यू एन है यू एन इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और जो है सिक्योरिटी काउंसिल है दैन ट्रस्टीशिप काउंसिल है एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सो so, ये सारे इदारे जो हैं यू एन चार्टर के अंदर जो हैं फार्मूलेट हुए हैं दीज आर अगेन मेड टू गिव इफेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ द यूनाइटेड डेक्लेरेशन यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दी कन्वेंशन और इन uh, सारे प्रिंसिपल्स के साथ साथ यू डी एच आर वॉज नीगोशिएटेड टू इस्टर्मली दैट ऑल मेम्बर स्टेट्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू ऑनर सो वो यू एन चार्टर जो है वो उसके जो ओबेरियस ऑर्गन हैं और इसके अलावा जो यू एन चार्ट में प्रिंसिपल दिए गए हैं वो उन जो यू डी एच आर में राइट्स दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेकनिज़म जो है वो स्ट्रक्चर किया गया सो विद इन एट्स थर्टी आर्टिकल्स दी डेक्लेशन एन कम्पस पोलिटिकल Cultural, social, and economic rights. Uh, political and civil rights include the rights to life and liberty, equality and uh, equal protection before the law, freedom from torture, and freedom of speech and assembly. Uh, the cultural, economic, and social rights include the right to social security, employment, education, health, and participation in cultural life. इनकलूडिंग दी राइट टू रेस्ट एंड लयर टाइम सो अब जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं यू डी एच आर का तो उस में जो मेन uh, क्लासीफिकेसन है वो वो दो हैं राइट्स की और उनको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो क्लासीफिकेशन है वो बेस uh, करती है ऑन दी बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्योंकि जो सिविल uh, और पोलिटिकल राइट्स हैं दोज राइट्स आर रिलेटिंग टू दी इंडिविजुअल पर्सन और जिस तरह के राइट टू लाइफ है लिबर्टी है इक्वलिटी है या फ्रीडम फ्राम टॉर्चर है फ्रीडम ऑफ स्पीच है सो so, ये सारे जो हैं वो सिविल राइट्स की डोमेन में आते हैं इसी तरह जो पोलिटिकल राइट्स हैं वो दो हैं राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट एंड राइट टू वोट सो ये जो ऐसे राइट्स हैं जो कि इंसान की अपनी एक सिवल uh, राइट्स हैं और इन पे शायद रिसोर्स उस तरह से नहीं चाहिए जो कि इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की मद में चाहिए जिस तरह के जो सोशल राइट्स में आपकी सोशल सिक्योरिटी में आपका एजुकेशन और हेल्थ के मामला आते हैं और इसी तरह अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है किसी को या एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना है तो ये सारे वो राइट्स हैं जिनके लिए रिसोर्स uh, चाहिए हैं और इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो यू डी है या ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो uh, दुनिया में डेवलपमेंट जो है कमर्शियल uh, डेवलपमेंट उसकी बात करते हैं देन देर आर रिच फिलोसफिकल डिबेट्स रिगार्डिंग सोर्स फ्रॉम विच ह्यूमन राइट्स आर थॉट टू इमर्ज एंड हाउ प्रिसाइजली दे आर टू बी डिफाइंड But the modern architects of the UN human rights framework built into the UDHR the concept that these rights are inalienable and belong to the individual. So, we have seen that human uh, rights are universal and these rights are uh, foreign to no culture and uh, uh, native to uh, all nations. Uh, since they are universal, they are applicable to all hum humanity present on the uh, planet earth. Uh, so the concept of inalienability uh, of the human rights uh, warrants uh, that human rights are inalienable insofar as uh, no person may be uh, divested of his or uh, her human rights uh, save under clearly defined legal circumstances. सो एज़ लॉन्ग एज दी ह्यूमन राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द यू डी एच आर और ए कन्वेंशन और ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ ए कंट्री देर है दिमिटेशन टू दिज राइट कैन ऑनली बी मेड थ्रू एन एक्ट ऑफ दार्लिमेंट और थ्रू ए लॉ सो सो जो भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी राइट की एक्सरसाइज करने में वो सिर्फ ये है कि किसी के कहने से या खाली जो है वो आ, किसी पब्लिक फंक्शनरी के एक्शन से या उसकी समझ के मुताबिक नहीं चलेंगे बल्कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस अगर आ, लगानी हैं किसी भी आ, राइट की एक्सरसाइज कोई इंसान अगर कोई राइट एक्सरसाइज कर रहा है एंड इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ स्टेट्स दैट एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट शैल बी

इफ़ ही और शी इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ at the क्लोजर ऑफ ए फेयर ट्रायल यानी कि उस इंसान को जिसको uh, स्टेट ने जेल में डालना है या उसको कैद करना है सो दे विल हैव टू मेक श्योर दैट इट हैज़ बिन डन आफ्टर कंडक्टिंग ए फेयर ट्रायल द फेयर ट्रायल विच इन इट सेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न इसी तरह जो कोर प्रिंसिपल हैं ह्यूमन राइट्स के उनमें जो मेन करेक्ट्रिस्टिक हैं दैट दीज राइट्स आर इनडिविजिबल एंड इंटर डिपेंडेंट बिकॉज ईच ह्यूमन राइट एन टेल्स एंड डिपेंड्स ऑन अदर ह्यूमन राइट्स देर फॉर वायोलेटिंग वन सच राइट अफेक्ट्स द एक्सरसाइज ऑफ अदर ह्यूमन राइट्स सो जो फ्रेमवर्क है पूरा इन सारे ह्यूमन राइट्स का Uh, उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये इनडिविजिबल हैं एंड इंटरडिपेंडेंट हैं uh, उसकी मिसाल हम दे सकते हैं दैट द राइट टू लाइफ प्री रिस्पेक्ट फॉर द राइट टू फूड एंड टू एन एडिकुएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो राइट टू लाइफ इट सेल्फ इंक्लूड्स राइट टू फूड एंड एडिकुएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वी हैव सीन दैट द कोर्ट्स हैव Uh, interpreted the right to life to include a clean environment uh, as well as uh, recently i have seen a judgment which states that even uh, access to electricity is a fundamental right of the citizens because it is a basic need and it includes in the right of uh, right to life and similarly the denial of the right to basic education uh, can affect a person's access to justice and uh, participation in public life. So, uh, similarly, uh, the right to basic education gives a, and once a person is educated, he is able to have access to justice. And uh, now, even then, only if he is an educated person, he can take part uh, in the public life. Uh, so, as regard to the implementation aspect, the preamble clearly states that General Assembly proclaims the UDHR as a common standard of achievement for all peoples and all nations, and UN member state must strive to achieve the recognition and uh, observance of these rights. Uh, while the declaration frames these rights as in inalienable, uh, it is ultimately states. That are responsible to ensure that they are codified into law and policy and duly fulfilled in the uh, practice. So, now we have understood that uh, the UDHR sets the common standards of achievement of uh, human rights, and uh, uh, for that matter, it requires the state to ensure that these standards are not only adhered to uh, through ratification of various conventions but once a convention is ratified by a country it has to be codified into law and policy and it has to be given effect through the bureaucratic structure of that country and uh, so uh, in a in a recent uh, development at the world conference of human rights uh, held in vienna in 1993, uh, the international community reaffirmed the holistic concept of human rights. and, and it was a, a commitment made by the world community of uh, 177 members who attended the, uh, the, the conference on human rights in vienna in 1993. and they committed that respect for all rights. Is a prerequisite to sustainable peace and development in the world.